जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो रीमेडिकल वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए भी और जो मेडिकल फिट है उन लोगों के लिए भी। खास करके अगर यहाँ पर बात करूँ तो जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब कल नोटिस जारी हुआ सीआरपीएफ का तो वहाँ पर जो है एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि उन्होंने कहा था कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और इस वजह से जो है रीमेडिकल को जो है अभी स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश के लिए। लेकिन वहाँ पर उस नोटिस में आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि वहां पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को एक अपडेट दे रहा हूं कि जो रिमेडिकल वाले हैं ठीक है उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे ठीक है उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको यहां पर पहले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप समझिए थोड़ा सा कारण क्या है। कारण यह है कि अगर यहां पर हम देखे जाए तो 2 साल तक अगर कोरोना वायरस नहीं गया तो क्या 2 साल तक रिमेडिकल के चक्कर में जो मेडिकल फिट है उनको बिठा के रखा जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, इस वजह से यहां पर जो है अभी जो तैयारी चल रही है आगे की, यहां पर आप आगे न्यूज देखिएगा क्या है। ठीक है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, तो ये आप सुन लीजिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग्स। कैंडिडेट बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए सर, एसएससी जीडी का फाइनल मेरिट कब तक आएगा? इसकी अभी हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है सर। कहाँ, ये दिल्ली लगाना सर जी? फोन तो दिल्ली लगाना सर। हाँ, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में लगाया? हाँ। तो सर अभी आपको कुछ मालूम नहीं है इसमें सर? नहीं, हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है अभी पीछे से एसएससी से, तो हम आपको क्या जानकारी दें? लड़के सब परेशान हो रहे हैं सर। नहीं, वो बात मैं समझ सकता हूँ आपकी, लेकिन बट हमारे पास में कोई जानकारी नहीं तो हम आपको गलत जानकारी थोड़ी नहीं दे सकते हैं। जी सर जी। हाँ, तो अभी ऐसा कुछ नहीं, बाकी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। जी सर। जो लोग भर्ती हो चुके हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनके घर पे ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। इस कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ डिले चल रहा है सर जी। अभी तो रीमेडिकल जो एडिशनल वाला का डीएमई हुआ है, नहीं बाकी सबका डीएमई हो गया है, वो उसकी कोई जानकारी नहीं है अभी। पहले जितने बच्चे हैं फिट हैं वो लिए जाएंगे, उसके बाद में जो रीमेडिकल वाले हैं जो कम पड़ेंगे फिर उनको किया जाएगा रीमेडिकल द्वारा से। तो सर पहले जो फिट है उनका मेरिट में? हाँ, पहले वो ज्वाइनिंग होंगे वो लड़के, पहले मेरिट उनका आ सकता है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर कंट्रोल रूम जी सी दिल्ली। जैन सर। हाँ जैन बोलिए। सर बोल रहे थे एसएससी जीडी के बारे में पूछ रहे थे सर। डियर, अभी इसके बारे में कोई इनपुट नहीं है हमारे पास में, अगर कोई भी जानकारी होगी तो आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। तो सर मेरिट के लिए पूछ रहे थे क्या हो, मतलब रीमेडिकल से पहले मेरिट लिस्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है सर? हाँ, रीमेडिकल से पहले लोगों को ज्वाइनिंग किया जाएगा, उसके बाद में ही रीमेडिकल होगा जो भी होगा। और तो सर एक और क्या, सीआरपीएफ में लगा ना एसएससी में सर? ये सीआरपीएफ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा, थैंक यू सर। तो वही बात। ओके ओके सर, थैंक यू। ये चीज़ें हैं, सीआरपीएफ के ऑफिसरों ने बोल दिया है। मैंने काफ़ी सारे कॉल रिकॉर्डिंग सुने जिसमें से 2 प्रमुख कॉल रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एड किए थे। तो ये चीज़ें होने वाली है, कंफर्म है कि आप लोगों का पहले मेरिट लिस्ट आएगा। इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने बताया था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट भर्ती हो चुकी है, अब यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कब तक मेरिट लिस्ट आएगी। तो मेरिट लिस्ट आपको ये चलिए 15 अगस्त तक आपकी मेरिट लिस्ट या उसके बाद आ सकती है। ठीक है, 15 अगस्त के बाद कभी भी आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। देखा जाएगा 15 अगस्त तक कि अगर कोरोना का प्रकोप अगर समझ में आया कि कम हो रहा है ठीक है, तभी इस पर जो है विचार किया जा सकता है। लेकिन फाइनल ये तो हो चुका है कि आपका सबसे पहले मेरिट लिस्ट आएगा, जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो भी रीमेडिकल होगा उसका कोई ना कोई ऑप्शन वो निकालेगा सीआरपीएफ, उसके बाद ही जो है ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ये आपकी अपडेट थी और यह 100% कन्फर्म है, कोई फेक नहीं है। और आप लोग फेक भी बोलोगे तो कोई आपके फेक बोलने से फेक नहीं होने वाला, इसी टाइप से होने वाला है। इसको ये सत्य है और इसी को आपको मानकर लेकर चलना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।